बसम्दिल वाक़ करबला के हवाले से गुफ्तु एक ऐसा मौजू है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अयाम अज़ा से मरबूत नहीं है बल्कि ये हक़ और मारफ़ का एक ऐसा है एक ऐसा बहता हुआ समंदर है कि जिसको जिसने जिस पहलू से भी देखा उससे बहरा हुआ तो इसके हवाले से गुफगु सिर्फ और सिर्फ़ याम आज़ाद से मखसूस ना होने का मतलब ये है कि जब भी जहाँ भी आपको फ़ुरसत मिले इसके मुख्तफ पहलुओं से आगा हों आशना हों अपनी ज़िंदगी को इसके किसी न किसी पहलू से मरबूत करें यहाँ पर यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो गुफ्तु हम कर रहे हैं ये अनूर आ, चैनल है उन बिरादरान की जानब से इसका अहतमाम किया गया है करबला के मुख्तलिफ पहलुओं से आशना होने के लिए आगाह होने के लिए हम ये चाहते हैं कि करबला को एक नए जाविये से मौजुअ सुखन बनाएं अच्छा इससे पहले कि वाक करबला के इस नए जाविये और इस नए पहलू से आपको आशना किया जाए आ, कुछ हवालों से मैं वाजह करना चाहता हूँ कुछ इशारा करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जितने भी हादसा होते हैं जितने भी वाकयात होते हैं ये जो ज़िंदगी गुजर रही है ये जो ज़िंदगी चल रही है इसमें मुख्तलिफ हादसा मुख्तलिफ वाकयात को जब आप देखते हैं या आपके इर्द गिर्द रहने वाले भी उसी वाक़ को देखते हैं तो हर किसी का नुक्ता नज़र तब्दील हो जाता है अगर इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाना चाहें तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप और चंद अफ़रा दीगर किसी एक एक्सीडेंट को होते हुए देखें कोई गाड़ियों का कोई रोड एक्सीडेंट देखें और आप वहाँ पर मौजूद तमाम अफ़राद से उस एक्सीडेंट की तफसीलात मालूम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर शख्स एक ख़ास पहलू से उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है कोई शख्स किसी एक गाड़ी को मुकसर और कसूरवार करार देगा दूसरा शख्स किसी और गाड़ी को या किसी और मसले को कसूरवार करार देगा कोई मुमकिन है गाड़ियों के ड्राइवरों के बजाय वहाँ से गुजरने वाले किसी राहगीर को कसूरवार करार दे कोई मुमकिन है उस वक्त के मौसम को या सड़क पर मौजूद किसी पानी को कीचड़ को या किसी और मसले को तो क्या मस, म, मतलब क्या है इस मसले इस मिसाल का इसका मतलब ये है कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़ को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं और मुख्तलिफ नतज उससे हासिल करते हैं जितना छोटा वाक़ होता है उसके बारे में आरा उतनी मुख्तसर होती हैं और जितना बड़ा और जितना अहम वाक़ होता है आप देखेंगे कि उसके बारे में उस हादसे के बारे में उस वाक़े के बारे में पहलू नुमाया होते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे आज की दुनिया में अगर आप इसी मसले को बेहतर समझना चाहें तो नाइन अलेवन के वाक़े की तरफ़ देख सकते हैं और दुनिया के अंदर मौजूदा दुनिया के अंदर होने वाले हादसा के बारे में देखें या यही आजकल कर जो कोरोना वायरस चल रहा है ये हादसा है ये एक वाक़ा है और जब आप इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की आरास होनेंगे तो कोई इसे वाकयान एक हकीकी बीमारी करार देगा कोई इसे एक साजिश करार देगा कोई इसे बायोलॉजिकल वार करार देगा हर गोया के हर शख्स एक ख़ास नुक्ते नज़र से इसके बारे में गुफ्तु करेगा वाक करबला अगरचा अपने वक्त के लिहाज से दस मुहर्रम को या अगर अट्ठाईस रजब से और अहल बैत की वापसी तक एक महदूद वक्त में रूनुमा हुआ एक महदूद सरजमीन पर रूनुमा हुआ लेकिन ये एक ऐसा वाक़ है कि जो सदियों पर मुहित है जो शाय, शायद नहीं बल्कि यकीनन कयामत तक इंसानों के लिए इसके अंदर नमून अमल है इसके साथ साथ इसके ऊपर मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ जिहाद से गुफगू की है जो इमाम हुसैन आल सलाम के चाहने वाले हैं उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज़ से इससे दर्स हासिल किए हैं मुख्तलिफ़ अंदाज़ से इससे सबक हासिल किए हैं कयामत तक किसी ने आज़ादी का दर्स लिया है क़यामत तक के लिए किसी ने मज़लूमियत का ज़ालिम के ख़िलाफ़ उठने का दर्स लिया है इस किस्म के दरूस हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो इमाम हुसैन अलसलाम या अहल बैत के नुक़ः नज़र के मुआफ़ नहीं हैं तो उनकी जानब से कभी इस सारे वाक़ को एक खानदानी तनाजा करार दिया जाता है नुबिल्ला खिलाफत के खिलाफ करने को और खलीफा के खिलाफ करने की वजह से नाउजुबिन को बाकी तक करार दे देते हैं लोग तो ये क्या है ये वाको मुख्त पहलुओं से देखने के हवाले से इसके बारे में मुख्त आ सामने आती है हम कोशिश ये करेंगे कि इस वाक का एक और पहलू से जायजा लें और वह है सियासियात उलू सियासी की हद तक लेकिन तारीख के पैराए में रहते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पचास साल बाद कैसे रूनुमा हो गया अगर इसको हम एक सियासी पैराए में देखना चाहें तो किसी भी सियासी हादसे को सियासी वाक़े को या सियासी तब्दीली को आप एक लहजयी तब्दीली नहीं कह सकते यानी ऐसा नहीं कह सकते कि जो एकदम हादसाती तौर पर इतफ़ाकी तौर पर तब्दीली रूनुमा हो गई बल्कि हमेशा इस किस्म के हादसा में इस किस्म की तब्दीलियों में इस किस्म के हवािस में एक पूरा बैकग्राउंड होता है एक पूरा पस मंज़र होता है और किसी शायर ने क्या ख़ूब कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता तो ये बहुत अहमियत का हामिल है कि अगर हम वाक करबला को सही अंदाज़ में समझना चाहते हैं वाक करबला के एक नए पहलू से आशना होना चाहते हैं तो हमें इस सारे सिलसिले को उसी सियासी नुतः नज़र से देखना होगा कि क्या हादसा हुए क्या तब्दीलियाँ आईं क्या मुश्किल हुईं और किस तरह से इमाम हसैन आल सलाम ने इस सारे पस मंज़र से और इस सारे मसले से और इस सारे बहरान से इमाम हुसैन आल सलाम नबरदाज़मा हुए इसको समझने के लिए कि बज़ाहिर अगर ओलू सियासी के तौर पर सियासी का एक तालब इल्म होने के या सियासियात का एक ताब इल होने के मान से हम इसका जायज़ा लेंगे ना तो इसमें बज़ाहिर जंग की नोयत इस टाइप की है कि एक हुक्मरान बना है और उस हुक्मरान के ख़िलाफ़ उसी इलाके की उसी मुल्क के एक शख्सियत ने इनकार कर दिया कि मैं आपकी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करता हूँ पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि बाज़ बाजात अपोजिशन रहनुमा इनकार कर देते हैं यहाँ पर भी अगर इस वाक़ को वाक करबला को इसी सादा अंदाज़ में देखा जाए तो ये बाहर इतना ऐसा नज़र आता है कि एक शख्स को हाकिम बनाया गया है और उसको हाकिम बनाने के जो तरीके हैं वो इन अगर आइंदा जलसात के अंदर उसकी तरफ भी इशारा करेंगे तो एक शख्स को हाकिम बनाया गया इमाम हुसैन आसलाम जो उसी मुल्क उसी ममलिकत के एक फ़र्द हैं वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं कि मैं तुम्हारी हाकिमियत को तुम्हारी हुकूमत को तुम्हारी खिलाफत को तस्लीम नहीं करता हूँ क्या मामला सिर्फ ऐसे ही हैं यहाँ तक बात मुमकिन है कि मैंने अपनी पहुँचा दी होगी यहाँ से अब हम गुफ्तु ये शुरू करते हैं कि ये जो ममलिकत है ये जो इस्लामी हुकूमत नहीं कहा जाएगा इसको ये जो हुकूमत है इस हुकूमत की नौयत क्या है सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये यजीद की हुकूमत इसको अगर हम तारीख इस्लाम के अंदर जानना चाहें यजीद की हो या अमीर मुआविया की इन दोनों की हुकूमतें या इसके बाद जो सिलसिला चलता है 120 हिजरी तक इस तमाम की तमाम हुकूमत को कहा जाता है उमवी सल्तनत सवाल यह है कि उमवी सल्तनत से पहले की हुकूमत को क्या कहा जाता है उमवी सल्तनत से पहले तमाम मुसलमान खासतौर पर हमारे अहले सुन्नत भाई चार खलफा को और इमाम हसन मुशत सलाम की खिलाफत को मिलाकर इसे खिलाफत राशिदा का नाम देते हैं खिलाफत राशिदा से पहले क्या है खिलाफत राशिदा से पहले नबी करीम सल्ला वसलम की हुकूमत है नबी करीम सल्ला वसम की हुकूमत से पहले क्या है जज़ीरतलरब में कोई हुकूमत नहीं है तो लिहाजा अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ है एक अरब में इसको समझने के लिए हमें एक मरतबा नबी करीम सल वसल्लम की हयात तय्यबा और उनके हुकूमत से पहले के अरब का जायज़ा लेना होगा अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए इस तमाम सिलसिले को समझना आसान हो जाएगा आइए अब एक मरतबा जायज़ा लेते हैं अरब का नबी करीम सल्ला वसल्लम की हयात तय्यबा से कब्ल या एलान रसालत से पहले जिसे बेसत कहा जाता है कि बेसत से पहले तो अगर हम ये देखना चाहें कि अरब में हुकूमती तरीक़ार क्या था तो उसके लिए तमाम वर्ख़ीन हमें यह समझाते हैं हमें ये बताते हैं कि नबी करीम की नबूवत से पहले नबी करीम की सब से मदीने में इस्लामी रियासत के क्याम से पहले कोई हुकूमत नहीं थी हाँ क़दीम ज़माने में यमन में हज़रमूत में और इस क़ुम के इलाकों में कदीम हमियर की बनी हमियर की और इस कस्म की मतदद बनी मीन की और ऐसी हुकूमतें थीं लेकिन वो मदूम हो चुकी उनके ऊपर ऐसे मसाइल आए सैलाब आया और कि वो सबके सब नापैद हो गई जमान जाहलीत यानि नबी करीम सलील वसम की बेसत से सौ दो सौ साल पहले अरब की सूरत हाल ये थी कि वहाँ किसी की हुकूमत नहीं थी बल्कि वहाँ की सूरत हाल ये थी कि हर शहर एक मुस्तकिल शहर था चनाचा मक्के पर कुरैश की हुकूमत थी कुरैश अपने आप को औलाद हज़रत इसमाल सलासलम कहा करते थे और इसमें भी जो हुकूमत थी उसकी तरफ इशारा करेंगे कि किस नोत की थी मदीने के अंदर औसत खजरज थे और यहूद आबाद थे ताइफ ताइफ में बनी शकीफ थे और बाद छोटे मोटे कबीले थे तो हर शहर के अंदर अपने अपने कबीले की हुकूमत थी और शहर से बाहर उन शहरों से हटकर जो जहां पानी था जहां कहीं जिंदगी के कुछ आसार थे वहां पर जो कबीला रहा करता था उसकी हुकूमत हुआ करती थी तो लिहाजा हिजाज हो नज़द हो यमामा हो यमन हो रबुल ख़ाली तो बिल्कुल खाली था तो ये जितने भी इलाके हैं यहां पर किसी नोयत की कोई हुकूमत नहीं थी और वो जो शुरा इलाफ के अंदर या हज़रत हाशिम के हवाले से बयान किया गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ायल से मुआहदे किए थे कि हमारा जो क्रैश का काफ़िला है जब ये सामान्य तजारत लेकर जाएगा इसके ऊपर कोई हमला ना करे वरना तो वहाँ पर रहने वालों के रहने वाले कबाइल की गुज़र बसर ही एक दूसरे पर हमले करने हमले करके और लूट मार करके हुआ करती थी अगर किसी कबीले के पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो जाती थी तो वो खाने पीने की अशिया हासिल करने का उसका बेहतरीन तरीका ये था कि दूसरे कबीले पर हमला करके और उनसे चीज़ें हासिल कर लिया करते थे तो इस किस्म के आ, इलाके में इस किस्म की सूरत हाल में अब आप देखें कि क्या हो सकता है क्या यहाँ पर हुकूमत बन सकती है हाँ बिल्कुल इस इलाके में ये जो जजीरतुलरब था ख़ास तौर पर यह जो हिजाज़ का इलाका था यहाँ पर एक सल्तनत बनने के लिए ये मैं उलूम सियासी के हवाले से गुफगु कर रहा हूँ यहाँ पर एक सल्तनत बनने के लिए एक हुकूमत बनने के लिए एक मुल्क बनने के लिए अवामिल मौजूद थे अनासर सब के सब मौजूद थे लेकिन कुछ मुश्किल थी वो जो अनासर मौजूद थे ज़रूरत मौजूद थी वो क्या थी मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की रहलत से पहले मदीने में जो अस और खजरज थे वो अपने अकली इर्तका के नतीजे में इस मंजिल पर पहुँच चुके थे कि हम दोनों को मुश्तर तौर पर एक हुक्मरान का इंतखा करना चाहिए वो एक हुक्मरान अब्दुल्ला इबन अबैई की सूरत में तकरीबन तय पा चुका था ये मैं इस, इस हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि मदीने की आप सूरत हाल देखें कि कबाइल के, के अंदर ये एहसास बेदार हो रहा है कि एक हकूमत तश्ल पाए ये किसी भी कौम किसी भी इलाके के सियासी अरता की अलामत होती है यानी नबी करीम सल्ला वसल्लम की आमद से कबल मदीना सियासी अरता का सियासी अरता की तरफ बढ़ रहा था वो इस सम में जा रहे थे कि एक हुकूमत का तस्वुर आए इसी तरह से मक्के के अंदर हज़रत हाशिम के इकदाम थे या मक्के के अंदर मनासिब की तकसीम थी मनासिब की तकसीम इस तरह से कि हज़रत कसई की जो औलाद थी उन्होंने मक्के के काम अपने दरमियान में तकसीम किए हुए थे सदानतुल्बैत यानी खान क़बा की देखभाल एक कबीले के ज़रिए के ज़रिए अंजाम पाती थी आ, अलम जंगों के अंदर उठाना मसलन कबीला बनी अब्दुलदार का काम हुआ करता था तिजारत और जंगों की सरबराही मसलन बनी उमैया के पास थी वैसे सरदारी बनी हाशिम के पास थी तो ये ख़ुद कामों का तकसीम हो जाना आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ काम तकसीम कर देने ये ख़ुद इस बात की दलील है कि कुरैश या मक्का भी अमली तौर पर सियासी अरता की तरफ बढ़ रहा है लेकिन अभी हुकूमत बनने के लिए जो अनासर दरकार हैं वो मौजूद नहीं हैं अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस किस्म की जगह पर इस किस्म की सरजमीन पर जहाँ मुलूक तवायफी हो जहाँ हर कबीला अपनी जगह पर एक मुस्तकिल हैसियत का हामिल हो वहाँ पर अगर हुकूमत बनेगी वहाँ पर अगर कोई शख्स ये चाहे हुकूमत तश्कील दे तो उसे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी सियासियात में कहा जाता है कि हुकूमत जो बनती है कहीं पर अगर आप मुल्क बनाना चाहते हैं कहीं पर आप आ, कोई कौम बसा कर और एक ममलिकत का वजूद लाना चाहते हैं तो आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चंद चीज़ें क्या हैं उन चंद चीज़ों में कहा जाता है कि एक ज़बान मुश्तरक ज़बान होनी चाहिए अगर मुशतरक ज़बान होगी तो ख़ुद ब खुद जितनी भी इकाइयाँ हैं उस कॉम की उस इलाके की वो ख़ुद ब ख़ुद आपस में जुड़ जाएंगी एक सरजमीन होनी चाहिए इसके अलावा अफराद होने चाहिए कानून होना चाहिए ये मुख्तलिफ़ अनासर हैं जो आमतौर पर बयान किए जाते हैं सरजमीन सरज़मी अरब पर ये मौजूदा सऊदी अरब और ये जितना भी जजीरा है इस पर यह अनासर मौजूद हैं लेकिन पराकंदा हैं उन अनासर में अरबी ज़बान है वो अपनी जगह पे मुकम्मल बेहतरीन अंदाज में मौजूद है इसके अलावा इन आ, ये जो कौम मौजूद है इनके अंदर मुश्तरक चीज़ वही जबान है और दूसरी अहम चीज़ है उनके अंदर मौजूद अरबी तब अरबियत और अरबी होना ये एक ऐसा तसब था एक ऐसा इम्तियाज़ था अरबों के अंदर जो अभी तक मौजूद है वह अपने आप को एक बरतर फर्द के तौर पर जानते थे अगर आप उनकी अरब अरबियत और उनके तस्ब देखना चाहते हैं तो आप ये देखें कि मक्के वाले अपने आप को सबसे ज्यादा अफजल समझा करते थे अपने आप को सबसे अफजल करार दिया करते थे मदीने वालों से अच्छा खुद मक्के के अंदर जो कबाइल थे वो भी कुरैश अपने आप को मक्के के दीगर तमाम कबाइल की नस्बत अपने आप को सबसे अफजल समझते थे सबसे समझते थे इसी तरह ओसो खजरज की सूरत हाल थी इसी तरह शकीफ बनी सकीफ़ की सूरत हाल थी और दीगर जितने भी कबाइल बनी खजा है और मतद्द्यों कबाइल हैं हर कबीला अपने आप को आला अरफा और अफज़ल समझता था और अपने अलावा किसी भी कबीले को पस समझता था हती कि जब ये इन्हीं कबाइल जो मक्का वगैरह के और इन ये कबाइल थे इनकी नस्बत यमनी कबाइल को एक बड़ी अहम तकसीम पाई जाती थी अदनानी कबाइल और काहतानी कबाइल अदनानी कबाइल यानी औलाद हजरत इस्माइल से वाबस्त जो कबाइल थे वो अपने आप को बड़ा आला समझा करते थे और काहतानियों को पस्त समझते थे लिहाजा ये तब खुद काहतानी जो थे वो अपने आप को अरब असील कहा करते थे तो लिहाजा ये तब मुख्तलि लिहाज से मौजूद था काहतानी भी अपने आप को कोई कम नहीं समझते थे तो लिहाज़ा बताने का मकसद ये है कि इनके अंदर ये जो कबायली तसब था ये जो अरब बरतरी का तस्वुर था ये एक बेहतरीन अनसर था यहाँ पर मुल्क बसाने के लिए यहाँ पर मुमलिकत बनाने के लिए और आप देखें कि ये कबाइल आहिस्ता आहिस्ता एक हुकूमत के क़्याम की तरफ बढ़ रहे हैं ख़ास तौर पर इन सबसे ज़्यादा पेशर रफ्ता सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मदीने के लोग थे औसो खजरज थे जो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि दो कबाइल को जोड़कर एक सरदार का इंतखा किया जाए वरना इससे पहले हमें इस किस्म के नमूने बहुत कम नज़र आते हैं अलबत् अल कुरैश के अंदर भी मक्के के अंदर भी सूरत हाल ये थी मदीने के अंदर भी ये थी तो ये जो आ, एक किस्म का तस्वुर था ये जो इरतका था ये इस बात की जानब लेकर आ रहा था कि एक ममलिकत बने अब आप मुझे यह बताएं कि अगर कोई ममलिकत कोई मुल्क इन तस्ुबात की बुनियाद पर बनेगा तो वो एक खालसता एक नस्ली बर्तरी पर मुश्तमिल मुल्क होगा यहाँ पर एक तारीख़ बशरीत का एक हसीन तरीन वाक़ रूनम होता है वो ये कि खुदा वंद मताल की तरफ से नबी करीम सल्हु वसम को मबू कर दिया जाता है अब जब नबी करीम सलील मबूस में रसालत होते हैं और ये पूरा इलाका सियासी इरत के नतीजे में एक ममलिकत के लिए तैयार होता है ऐसे में नबी करीम सल्ला वसम मक् में तब्लीग अंजाम देते हैं मक्के में लोगों को तब्लीग अंजाम देते हैं यहाँ तक के आ, मदीने में तबलीगी सिलसिले का आगाज़ होता है और यहाँ से हुकूमत नबवी का सिलसिला शुरू होता है इसके साथ ही मैं आज की अपनी गुफ्तु को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि अब तक आ, मक्का तैयार है हुकूमत के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु सली वसल्लम इस तैयार सूरत हाल में अल्लाह ताला के हुम से इस्लामी हुकूमत का हुकूमत का क़्याम अमल में लाते हैं अगली गुफ्तु इनशाला हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे व सल् महमदिन वाला मुहम्मद